जनपद चंपावत को आदर्श पर्यटन के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस संबंध में लगातार समीक्षा की जा रही है। कोलीढेक झील विकसित होने से पर्यटकों को कश्मीर जैसा एहसास उत्तराखंड के चंपावत में मिलेगा। मंगलवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनपद चंपावत के लोहा घाट, कोलीढेक झील और टी गार्डन को पर्यटक के लिए विकसित करने हेतु प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुति उसकी दी गई। चंपावत जनपद के लोहाघाट में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित कोलीढेक झील, जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर तथा झील की गहराई 21 मीटर है। आयुक्त ने बताया कि इस झील में वॉटरिंग, पार्किंग, कैफेटेरिया, ओपन थिएटर, एरोमेटिक प्लांट, फेरेस्ट टेल, शौचालय, पर्यटकों के ठहरने के लिए झील के किनारे कॉटेज बनाए जाएंगे। के लिए लगभग 25 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को कश्मीर जैसा एहसास कोलीढेक झील में मिलेगा और साथ ही साथ चंपावत में टी गार्डन के लिए 19 करोड़ की डीपीआर भी तैयार हो गई है। टी गार्डन को आधुनिक कर पर्यटक के लिए विकास किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक आकर टी गार्डन का दीदार कर सके। उन्होंने कहा कि झील के पास स्थानीय उत्पादकों की बिक्री के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को उत्तराखंड के उत्पादकों की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि झील के पास स्थानीय उत्पादकों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को उत्तराखंड के उत्पादकों की जानकारी होगी और स्वयं सहायता समूह की इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जनपद चंपावत में पर्यटक का विकास होने से लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इसमें इजाफा होगा। देखिए, चंपावत को एक आदर्श जनपद बनाना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी रेगुलरली समीक्षा होती है। टूरिज्म इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और चाय बागान जो एक विशेष पहचान चंपावत में हासिल कर चुका है। आइडिया ये था कि यहाँ पे किस तरीके से टूरिस्ट को एक और दिन रोका जाए, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे कुछ हम हट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ नेचर ट्रेल्स यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा सा टी म्यूज़ियम बना रहे हैं और इसकी डीपीआर का गठन हो चुका है। दूसरा, कोलीढेक झील जो कि लोहाघाट में है, इसमें भी पूर्व में इरिगेशन ने जो वहाँ पे एक लेक बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है और देवदार के पेड़ों के बीच इस तरह की कोई झील मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पे होगी। बहुत ही सुंदर है, बोटिंग के लिए काफ़ी लोग इसमें आ भी रहे हैं। तो इसमें अभी कमी ये है कि मौके पे फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे एक अच्छी पार्किंग होनी चाहिए किसी भी टूरिस्ट स्थल पर, एंट्रेंस होने चाहिए, टिकट का काउंटर होना चाहिए, कोई बोटिंग करने जाएगा तो निश्चित स्थान हो, जेटीज़ हों जहाँ से बोटिंग कर सकें, टॉयलेट्स हों आसपास, रुकने के कुछ कॉटेजेस हों, कुछ वेलनेस एक्टिविटीज़ हों। तो इन सब को लेके भी आज जो ये कंसल्टेंट हैं डेलॉयट वाले, जो इसमें कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनको यहाँ बुलाया गया था, उनके माध्यम से प्रेजेंटेशन को देखा गया है। एक प्रारंभिक स्तर पर कितना खर्चा आएगा उसका उन्होंने आकलन किया है। डिटेल्ड डीपीआर बनाई जानी है। इसमें आपसे कहा गया कि विशेष रूप से इसकी लैंडस्केपिंग पर ध्यान दिया जाए, अच्छे फ्लावर बेड्स बने, जो औषधीय पौधे जो उत्तराखंड की पहचान हैं इनको भी वहाँ पे रखा जाए कि लोग देख सकें, और साथ ही साथ ऐसे कुछ उपाय किए जाएं कि जो हमारे महिला समूह के उत्पाद हैं या गांव में जो ऑर्गेनिक खेती से अच्छे उत्पाद मिल रहे हैं, शहद भी इसमें एक है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, क्राफ्ट के आइटम्स हैं, इनको बेचने के लिए भी वहाँ पे कुछ कियोस्क्स हों ताकि जो टूरिस्ट स्थल हैं जहाँ पे इतना फुटफॉल होगा उससे अच्छा रोज़गार भी मिले।